Hello friends, today we are going to study about the magnetic field due to a long straight current carrying conductor for a finite and infinite length both. So देखने में तो ये बहुत आपको लगेगा कि बड़ा टाइप का है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से मैं जो बता रहा हूँ सुनेंगे तो आपको इसको बस एक या दो बार करने की ज़रूरत पड़ेगी खुद से, फिर आप अपने आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही सरल है। चलिए देखते हैं। कंसिडर स्ट्रेट करेंट कैरिंग एक्स वाई करेंट कैरिंग करेंट कंसिडर करिए, ये एक्स और वाई है। वी वॉन्ट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी। हमको यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए से, इस वायर से, वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। क्या बोला है, वी वॉन्ट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है पी, ठीक है। अब स्मॉल करेंट एलिमेंट, ये हमारा स्मॉल करेंट एलिमेंट है डी एल। तो इस स्मॉल करेंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो होगा हमारा म्यू नॉट फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हम देखते हैं ये, चलिए ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, क्यू ओ पी, थीटा थीटा प्लस फाई, ये एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, परपेंडिकुलर है ना, तो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई लिख सकते हैं, जब फाई इधर जाएगा माइनस पे आ जाएगा 90 माइनस फाइव। अब साइन थीटा अगर होता है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस फाई, और साइन 90 माइनस फाई को हम लोग कॉस फाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब कॉस फाई की आप यहां से वैल्यू निकाल लीजिए, कॉस फाई क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ए बाई आर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसके लिए बोला है क्यू पी ओ के लिए, कॉस थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे ए बाई आर, जब आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी ए अपॉन कॉस थीटा कॉस फाई। अब ए कॉस फाई को हम लोग ए सेक फाई भी लिख सकते हैं, कॉस फाई इज इक्वल टू ए बाई आर, आर इज इक्वल टू ए कॉस फाई, और ए कॉस फाई को हम लोग ए सेक फाई भी लिख सकते हैं। अब वहां से टेन फाई की भी वैल्यू आप निकालिए जो कि आएगी हमारी एल बाई ए, तो एल इज इक्वल टू ए टेन फाई। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब एल को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी एल इज इक्वल टू, तो हमारा आएगा ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ए टेन फाई का डिफ्रेंसिएशन आपका ये आएगा। चलिए इसका इंटीग्रेशन या डिफ्रेंसिएशन करने का क्या कहते हैं जरूरत नहीं है, आप सीधे ये लिख सकते हैं। तो अब डी बी में वैल्यू जो हमने पहले डी बी की लिखी, जो हमारी इक्वेशन थी डी बी इज इक्वल टू, ये पहली इक्वेशन म्यू नॉट फोर पाई आइडियल साइन थीटा आर स्क्वायर। अब जो सारी वैल्यूज हमने निकाली हैं सबकी, अब उसको आपको इसमें पुट करना है। तो हमारी डी बी की वैल्यू आती है म्यू नॉट फोर पाई आई ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई कॉस फाई अपॉन ए सेक स्क्वायर फाई। अब जब कैंसिल करेंगे आप तो हमारा बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए कॉस फाई डी फाई। अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है फाइव माइनस फाइव वन से फाइव टू तक का। तो टोटल फील्ड बी एट द पॉइंट ड्यू टू इंटायर कंडक्टर ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग द एबो इक्वेशन विद द लिमिट्स माइनस फाइव वन से फाइव टू। अब जब आप डी बी को इंटीग्रेट करेंगे माइनस फाइव वन से फाइव टू तक का, जो ये वाला पोर्शन होगा हमारा म्यू नॉट आई बाई फोर पाई ए बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो ये हमारा बाहर आ जाता है। बचा क्या, कॉस फाई डी फाई का इंटीग्रेशन होगा माइनस फाइव वन से फाइव टू तक का। जब हम इसको माइनस फाइव वन से फाइव टू तक का कॉस फाइव डी फाइव का इंटीग्रेशन आता है हमारा साइन फाइव। अब साइन फाइव को हमको माइनस फाइव वन से फाइव टू तक का हमको इंटीग्रेट करना है। मैंने बोला कि कॉस फाइव, सॉरी मैं गलत बोल गया, कॉस फाइव डी फाइव को हम लोग लिख सकते हैं साइन फाइव, ठीक है, इंटीग्रेशन करके। अब माइनस फाइव वन से फाइव टू तक का हमको इसका वो करना है इंटीग्रेशन। अब जब हम म्यू नॉट आई फोर पाई ए लिखेंगे साइन फाइव टू माइनस साइन माइनस फाइव वन,
That's the value comes to be mu naught I by 4 pi a sine phi 2 plus sine phi 1. Sine phi 1 plus sine phi 1 इसलिए क्योंकि ये माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे. ये थी हमारी फॉर अ फाइनाइट लेंथ. अगर हमको इनफाइनाइट लेंथ के लिए निकालना है तो यहाँ पे हम साइन फाई वन और फाई टू की वैल्यू 90 रख देंगे. डैट तो हमारी वैल्यू आएगी डैट कम्स टू बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए. तो ये इनफाइनाइट लेंथ के लिए हो जाएगी. तो ये था मैग्नेटिक ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग करेंट कैरिंग कंडक्टर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.